सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अच्छे लड़के क्यों नहीं मिलते <laughs> जिससे भी बात जिससे भी बात करी जाती है ज़्यादातर यही होता है कि अट्रैक्शन की वजह से होती है तो सीधा सीधा दिख जाता है कि शरीर का मामला है तो पता चल जाता है इन्हें बॉडी से ही रिलेशन है और कोई डेप्थ नहीं होती वहाँ सिर्फ बॉडी चाहिए होता है देखो दोनों बातें होती हैं हाँ ध्यान से सुनिएगा कोई कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं है सबके लिए है ये तौर पर लड़कियों और महिलाओं की ओर से ही ज़्यादा आता है कि जितने पुरुष हैं लड़के हैं ये अच्छे होते नहीं ये संबंधों में सिर्फ शरीर देखते हैं ये हम में सिर्फ बॉडी तलाशते रहते हैं इन्हें और कुछ नहीं चाहिए रिलेशनशिप में सिर्फ सेक्स चाहिए इस तरह की ये बातें आती हैं बहुत बार आती हैं ये बात ठीक भी है लेकिन इस बात के दो पहलू हैं एक बढ़िया संबंध में दो लोग होते हैं ना दो पक्ष होते हैं हमेशा तो दोनों तरफ से मामला ठीक होना चाहिए बिल्कुल ऐसे लड़के होने चाहिए जो कि सामने वाले को माने लड़की को सिर्फ शरीर की तरह ना देखें कि एक बॉडी चली आ रही है और मुझे उस बॉडी का इस्तेमाल करना है बिल्कुल ये ज़रूरी है कि लड़के ऐसे हों साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि लड़कियां भी ऐसी हों जिनके पास पूंजी के तौर पर एसेट के तौर पर देह से आगे भी तो कुछ और हो अब आप सोचो कि अगर हमारा समाज ऐसा है और शिक्षा ऐसी है और परवरिश ऐसी है कि लड़की को सिखाया ही यही जा रहा है कि तुम शरीरी हो तुम शरीरी हो और शरीर ही तुम्हारा एसेट भी है शरीर ही तुम्हारा अस्त्र भी है वेपन है और शरीर का ही सबसे ज़्यादा ख्याल करो और लगातार ऐसे ही देखते रहो आई एम द बॉडी ये वो अपना करते रहो तो अगर वो कभी किसी रिश्ते में जाएगी तो वो उस रिश्ते में सामने क्या रखेगी शरीर ही तो रखेगी उस बेचारी को बचपन से कुछ भी और होने की अपनी कोई और पहचान विकसित करने की न शिक्षा दी गई न छूट दी गई तो ज्यादातर लड़कियाँ ऐसी बन भी जाती हैं कि उनके पास एक रिश्ते में शरीर के अलावा कुछ होता नहीं एक लड़का अगर कहे कि मुझे ढंग की बातें करनी है चार और लड़की के पास वो बातें करने का ज्ञान ही ना हो तो बताओ लड़का क्या करेगा फिर वो लड़की है और वो अपने आप को बिल्कुल सुंदरी कामिनी सेक्सी बनाकर बैठी हुई है बिल्कुल ठीक और डेट पर वो आकर के बैठ गई है कहीं पर मान लो किसी कैफे में वो वहाँ कुर्सी पर बैठ गई है देखो मुझे मालूम है आप सब फेमिनिस्ट हो गए हैं पे मुझ पर आक्रमण करने लग जाना ठीक <laughs> है मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के सुन लो अब वो कैफ़े में आकर के बैठ गई है ठीक है डेट का मौका है अपना मिले हैं शाम को सात बजे वो आकर के बैठ गई है बिल्कुल मान लिया ज़्यादातर लड़के जलील होते हैं एकदम नीरे जानवर हैं जो जाते ही हैं मान लो डेट पर सेक्स के लिए ठीक है पर एक लड़का कल्पना कर लो कि ऐसा नहीं है एक लड़का ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कि वो नपुंसक है सेक्स भी कर लेगा लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ सेक्स ही करता हूँ ठीक है अब वो भी डेट पर गया है और वो जा करके कुर्सी पर बैठ जाता है लड़की के पास है क्या जो उस रिश्ते में वो ला सके वो लड़की कह रही है मेरे पास रिश्ते में लाने के लिए सिर्फ मेरी जुल्फ़े हैं मेरा चेहरा देखो अभी अभी पार्लर से निकला है मेरे कपड़े देखो और मैं ऐसे अपने आप को मेंटेन करके और ग्रूम करके आई हूं यही है मेरे पास अब लड़का चाहे भी तो उस लड़की से उसको क्या मिलेगा बताओ तो सही ना लड़का कहे कि मुझे अभी बात करनी है जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजी पर और लड़की इधर उधर देख रही है काउं कॉँव करने लग गई हो क्या अब होगा और इसमें मैं कह रहा हूं लड़की की गलती नहीं है क्योंकि बहुतों को बुरा लगेगा मैं कह रहा हूं कि उसको बना ऐसा दिया गया है क्योंकि अगर उसको भी बताया जाता है कि आप बॉडी बाद में हैं आप कॉन्शियसनेस पहले हैं जेंडर बहुत बाद में आता है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री दोनों के लिए पहले कॉन्शियसनेस आती है लेकिन यह बात उसको बताई नहीं गई आपका मीडिया आपका टीवी आपके ये सब जो शादी ब्याह के उत्सव होते हैं उसमें लड़की को क्या बना दिया जाता है बॉडी ही तो बना दिया जाता है ना पूरे तरीके से तो वो बॉडी बनकर डेट पे आ गई और वो कह रहा है नहीं मुझे तो वो प्रियम्बल ऑफ इंडिया डिस्कस करना है और उसको प्रियम्बल की स्पेलिंग नहीं पता मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं मैं फिर सम, समस्या के एक पक्ष की ओर ध्यान दे रहा हूं क्योंकि जो समस्या का दूसरा पक्ष है वो तो हम सब जानते ही हैं जानते ही नहीं हम सहमत ही हो चुके हैं कि लड़के गलीच होते हैं तो उस मुद्दे को तो हमने सुलटा दिया उस पर आगे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है लड़का हवसी है बात खत्म ठीक है ना तो हम लड़कों की बात आगे नहीं करेंगे हम लड़कियों की बात करना चाहते हैं लड़का हवसी है लेकिन लड़की के पास क्या है उसकी हवस पूर्ति के सामान से ज्यादा यह भी तो बताओ वो हवसी है और इसके पास हवस पूरी करने की सामग्री है तो इस आधार पे तो दोनों का रिश्ता बनता है यही होता है कि नहीं बोलो हर 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 मामले में ऐसा नहीं होता मुझे एक्सेप्शन मत ज्ञान लगना लोग आते कहते हैं आप जो बात बोल रहे हैं ना वो सब पर लागू नहीं होती अरे सब पर तो कुछ भी लागू नहीं होता वो कहते हैं आपकी बात हजार में नौ लोगों पर लागू होती है लेकिन सब पर नहीं होती किस पर नहीं होती मुझ पर नहीं होती हर व्यक्ति कहता है नहीं आपकी बात जनरली सही है बस मुझ पर नहीं लागू होती क्योंकि यह मानना कि मुझ पर भी लागू होती है तकलीफ देह होता है ना ईगो को बड़ी चोट लगती है मानने से कि जो बात कही जा रही है साफ सब पर लागू होती है और अगर कुछ होते होंगे अपवाद तो होते होंगे अपवादों का क्या करना है एक्सेप्शन्स का क्या करना है लेट्स टॉक अबाउट द जनरल प्रिंसिपल एंड द जनरल सिचुएशन तो हुआ क्या है ज्यादातर कि जैसा हम जानते हैं कि पेट्रीआरकी में होता है मेल को बना दिया गया है प्रोवाइडर और फीमेल को बना दिया गया है फैमिली रेजर और जब आपको फैमिली रेजर होना होता है ना तो वो काम ज़्यादातर बॉडीली ही होता है फैमिली रेज करने का क्या मतलब होता है सोच के देखो ना वहाँ पे कोई बहुत बड़ा अनुसंधान तो करना नहीं होता ना बहुत बड़ी रिसर्च करनी होती है न वहाँ पर तुमको किसी लैब में बहुत भयानक प्रयोग करने होते हैं क्या करना होता है फैमिली रेस करने का मतलब होता है कि आप किसी घर में आओगे अपने पिता का घर छोड़ के पहली बात क्यों खो छोड़ के आते हो मालूम नहीं किसी और के घर में आओगे वहाँ सेक्स होगा फिर प्रेगनेंसी होगी फिर बच्चा होगा फिर बच्चे को आप फिज़िकल नरिशमेंट दोगे ठीक है ना और उसके बाद बच्चे वो इतना सा बच्चा होता है उसको बड़ा करने में बड़े साल लग जाते हैं और आप यही करते रहोगे इस पूरे काम में कितना हाई आईक्यू चाहिए बताओ जरा चाहिए क्या तो जैसे कि इतिहास और समाज ने साजिश करी है स्त्री के दिमाग को कुंठित रखने की उसको जो काम दे दिया गया है उसमें बौद्धिक तार्किक आध्यात्मिक क्षमता की बहुत कम जरूरत है बताओ ना आप किसी के घर में आते हो और आपका काम यह है कि किचन ठीक रहे बेडरूम और ड्राइंग रूम ठीक रहे सास ससुर प्रसन्न रहें कटलेरी ठीक रहे ये आपको काम दिया गया है यह काम करने के लिए कितना आई चाहिए और आई क्यू मैंने आज आपकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो भी धार की तरह होती है हो, घिसने से बढ़ती है जब उसका इस्तेमाल नहीं होता तो बौद्धिकता फिर कुंठित हो जाती है धार पैनी नहीं रह जाती समझ में आ रही है बात फिर यही जो स्त्री है जिसकी बौद्धिकता विकसित नहीं होने दी गई ये एक बेटी को जन्म देती है अगर उसने उसकी फिटिसाइड नहीं कर दी हम्म बहुत बार तो ऐसा हुआ कि जन्म ही नहीं देगा मारी देगी उसको पैट्रियार्की आपको क्या लगता है कि पेट्रियार्क चलाता है नहीं पैट्रियार्कि औरतें चलाती हैं सबसे ज्यादा पैट्रियार्की चलाने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की रही है तो अब वो लड़की पैदा कर दी वो लड़की भी देखती है कि क्या है मां की स्थिति क्या है और मां की जिम्मेदारियां क्या है वो कहती है यही तो है माँ शो पीस है तो लड़की भी अपने आप को शो पीस बना लेती है ठीक है मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि दिल्ली और बंबई के लिबरल कॉलेजेस में अब ऐसा नहीं होता लेकिन मैं पचानवे प्रतिशत भारत की बात कर रहा हूं ठीक है आप यहाँ पर कैंपस में कहें कि हमारे यहाँ तो वैसा माहौल नहीं है हमारे यहां तो जो जेंडर इक्वलिटी है वो इंटेलेक्चुअल फील्ड में भी है तो मैं बात आपकी मान लूंगा पर क्या शेष भारत में भी ऐसा है मैं जो साधारण सामान्य जनरल स्थिति उसकी बात कर रहा हूं तो वो लड़की ले देकर बेचारी बस मांस का एक पुलिंदा बनकर रह जाती है और वो कहती है है बस यही मेरे पास बॉडी बस यही है मेरे पास बॉडी जब वो कहती है है मेरे पास यही बॉडी तो जो पुरुष वर्ग होता है उसको और अधिकार मिल जाता है ये कहने का कि लड़कियों के पास तो और कुछ होता ही नहीं बॉडी के अलावा ये तो पागल होती हैं सुना नहीं है पुत्र सत्ता का पैट्रीआरकी का पसंदीदा तर्क है क्या इनके महिलाओं की बुद्धि तो होती नहीं इनके जरा कम बुद्धि होती है दिमाग इनका कम चलता है भावनाओं पे चलती हैं इनकी बुद्धि नहीं चलती ये सुना नहीं है और ये सब करने की उनको ट्रेनिंग किसने दी है खुद पेट्री ने तो वो लड़की ऐसी ही बन जाती है अब लेकिन उसको भी किसी न किसी तरीके से पावर तो चाहिए ना पावर की भूख तो हर इंसान में होती है पावर या तो आपको ज्ञान से मिल सकता है आपकी काबिलियत से मिल सकता है है ना आपने तरीके तरीके से अपने जो गुण सदगुण विकसित करें उनसे मिल सकता है और अगर आपके पास ज्ञान और काबिलियत विकसित करने का मौका ही नहीं आया अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आई तो फिर आप पावर कैसे पाना चाहते हैं आप कहते हैं मैं इस बॉडी को वेपनाइज करूंगा आई विल यूज़ माई बॉडी एज अ वेपन और वही महिलाएं फिर कर रही हैं ये सब जिसको आप बोलते हो वलगैरिटी वगैरह ये क्या है इट्स अ सोशल फिनमिना इन विच द वुमन इज कॉम्पेंसेटिंग फॉर हर लैक ऑफ पावर बाय वेपनाइजिंग हर बॉडी वो कह रही है मेरे पास और तो कुछ तुमने दिया नहीं ना मेरे पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है दुनिया की तीन प्रतिशत वेल्थ है बस महिलाओं के पास सोच के देखो दुनिया की तुम पार्लियामेंट्स देख लो वहां देखो कि वीमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है या ये देख लो कि जितने सी ईओ दुनिया भर में उसमें महिलाएं कितनी है तो उन्हें और कुछ तो मिलता नहीं तो पावर कहां से लाएं वो कहती हैं हम एक जगह से पावर लाएंगे बॉडी से पावर लाएंगे जब वो बॉडी से पावर लाती हैं तो वो और ज्यादा बॉडी आइडेंटिफाइड बन जाती हैं तो फिर पुरुषों को और कहने का हक मिल जाता है कि इसमें है क्या शरीर ही तो है तो हम इसके शरीर को भोगेंगे वो और हवसी हो जाते हैं तो यह मिला जुला के दोनों ही पक्षों के लिए एक बड़ी खराब स्थिति रहती है महिला और ज्यादा और ज्यादा बस मांस का लोथड़ा बनती जा रही है सेक्सी मांस ठीक है लेकिन फिर भी मांस तो मांस भले ही सेक्सी होगा और पुरुष और ज्यादा और ज्यादा हौसी जानवर बनता जा रहा है इसमें दोनों में से किसी को कोई लाभ हो रहा है दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिल रहा अगर आप चाहती हैं कि अच्छे लड़के मिलें तो वैसे गुण विकसित करिए जो अच्छे लोगों की अच्छाई से रिलेट कर सकें देखो सामने जो लड़का होता है ना आप जब उससे रिश्ता बनाते हो डेटिंग वगैरह करते हो एक जो लड़का होता है वो कई चीजें होता है एकदम अपने न्यूनतम लोएस्ट स्थान पर वो एक जानवर होता है और अपने हाईएस्ट स्थान पर वो एक थिंकर होता है वो एक रियलाइजर होता है हाँ वो एक वो एक फ्रीडम फाइटर होता है वो सब कुछ होता है अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसकी हस्ती के कौन से बिंदु से संबंध बनाते हैं समझ में आ रही है ना बात जैसे एक ट्रेन होती है उसमें हर तरह के डब्बे होते हैं ये तो अब आपके टिकट पे निर्भर करता है कि आप कौन से डब्बे में बैठोगे वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति कई व्यक्ति होता है एक इंसान कई इंसान होता है वही इंसान जो हो सकता है कि कॉलेज में प्रोफेसर बन करके लिबर्टी इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के लेसन देता हो वो घर में जाकर के ऑपरेसर बन जाता हो ऐसा हो सकता है ना हो सकता है ना तो एक बंदा कई बंदा होता है, उसके उसके उसके, उसके उसकी पर्सनैलिटी में उसके एग्जिस्टेंस में कई लेयर्स होती हैं तो ये जिम्मेदारी कुछ हद तक आपकी भी है एज अ वुमन कि आपके सामने जो पुरुष आ रहा है आप उसके एग्जिस्टेंस के राइट right पॉइंट को एक्टिवेट करें आप उसके सामने अगर बस सेक्सी डॉल बन के जाओगे तो आपने उसके कौन से पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया जो उसका सेक्सुअल सेंटर है बस उसको एक्टिवेट किया आपने और क्या करा बिल्कुल हो सकता है कि वो बंदा एक थिंकर था एक फिलोसोफर था हो सकता है कि नहीं पर अब आप उसके सामने सिर्फ और सिर्फ डॉल बन के जाओगे तो वो आपसे फिलोसफी की बात थोड़ी कर पाएगा बेचारा थोड़ी सी सहानुभूति उसके लिए भी पशु के लिए भी उसके पास हो सकता है बहुत कुछ हो लेकिन वो आपसे कैसे संबंध बनाए अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास सिर्फ बॉडी है ना तो ये तो हम देखो बहुत पहले मान चुके थे कि वो जो पक्ष है वो तो एकदम सड़ा गला मरा निकृष्ट है उसको तो जितनी गालियां देनी है दे दो है ना उसको तो हमने बर्खास्त कर ही दिया है कि तू हौसी जानवर है द मेल इज द एनिमल हट अब हम यह करना चाहते हैं कि थोड़ी जिम्मेदारी हम महिलाओं पर भी डालें हाँ रियलाइज दैट द पर्पज ऑफ योर लाइफ इज द अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस द बॉडी इज नॉट योर रियलिटी आप शरीर हो करके शरीर बन करके जीने के लिए शरीर दिखा करके जीने के लिए और शरीर की रोटी खाने के लिए नहीं पैदा हुए हो आप ठीक उसी उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो जिस उद्देश्य के लिए कोई पुरुष पैदा होता है, है ना और क्या उद्देश्य है आपके जीवन का हाँ जानना समझना आगे बढ़ना और अंततः हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाना वही स्त्री के जीवन का भी उद्देश्य है जब वैसा हो जाएगा तो फिर स्त्री और पुरुष दोनों में स्वस्थ संबंध बन पाएंगे समझ में आ रही है